नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। मकर राशि 8 से 14 मार्च यानी मार्च महीने का द्वितीय सप्ताह कैसा रहेगा आप सभी मकर राशि के जातक और जातिकाओं के लिए, और यह जो जानकारी है चंद्र राशि पर आधारित है, आप इसे लग्न राशि या नाम राशि से देखकर लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे आपके पूरे सप्ताह का हाल, कब क्या कैसे होगा, क्या अच्छा है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, कौन सी तारीखें आपके लिए बढ़िया है, किन तारीखों में क्या घटित हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और यह जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा यह तर्क संगत है, ज्योतिष के आधार पर है, ग्रहों के परिवर्तन, ग्रहों की चाल के आधार पर है, इसमें किसी भी प्रकार का असत्य या झूठ नहीं है। इन सब की जानकारी जो है ज्योतिष के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर है। ग्रहों का जो परिवर्तन है, ग्रहों की जो चाल है, उसमें ज्योतिष क्या कहता है वही एक आधार हमने लिया है और आपके समक्ष सत्य को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जानकारी की, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा जिसको करने से आपको बहुत लाभ होगा। शुरुआत करते हैं 8 और 9 तारीख की। चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा। तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर जब भी होता है तो जातक या जातिका को दूसरों के सहारे नहीं रहना पड़ता है, वह खुद अपनी मेहनत से धन कमाता है, अपनी मेहनत से अपना नाम कमाता है, संसार में उसका मान सम्मान बढ़ता है, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप शत्रुओं का, परेशानियों का विनाश करते हुए आगे बढ़ेंगे। साधारण सा दिखने वाला मनुष्य भी प्रयासों से बेहतरीन फल प्राप्त कर सकता है इन तारीखों में। काम छोटा हो, काम बड़ा हो, छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी अपनी मेहनत से। जीवन साथी व बच्चों में आप रुचि लेंगे, आप जीवन साथी और बच्चों के साथ समय बिताएंगे और सुख का अनुभव करेंगे, और दुश्मनों और विरोधियों को आप परास्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। गीत संगीत में रुचि होगी, साहसी होंगे, बढ़िया भोजन का आनंद लेंगे, घूमना फिरना इत्यादि आपकी शौक रहेगा और खुली हवा में जीना आप पसंद करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह समय बहुत बेहतरीन रहेगा, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। पैसों की कमी किसी भी प्रकार से नहीं रहेगी, आप शान शौकत के ऊपर पैसा खर्च करने में बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। व्यवसाय में परिवर्तन संभव है, यात्राएं संभव है, भविष्य को लेकर आप एक बढ़िया योजना बनाने में सफलता प्राप्त करेंगे, और आज की स्थितियों में आपको विशेष धन लाभ के साथ मान सम्मान और उसके साथ साथ परिवार की स्थिति भी बढ़िया दिखाई पड़ती है। आपकी शिक्षा भी जो अधूरी है वह पूरी हो जाएगी, कुछ लोगों का कुछ सिलेबस छूट गया था और एग्जाम बहुत निकट है, तो निश्चित तौर पे आज आप कम समय में एक अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि और तेज दिमाग आपकी मदद करेगा और आपकी याददाश्त भी मजबूत रहेगी, यानी कि आप जल्दी चीजों को कैच कर लेंगे, अपने दिमाग में बिठा लेंगे, आपकी शिक्षा बेहतरीन रहेगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि स्त्रियों के प्रति आपका लगाव और झुकाव ज्यादा रहेगा इन तारीखों में। अब बात करते हैं 10, 11, 12 तारीख दोपहर 12 बजे तक के समय की। चंद्रमा चतुर्थ भाव में होंगे मंगल के साथ, महालक्ष्मी योग बनेगा, लेकिन चतुर्थ भाव में चंद्रमा आपको थोड़ी सी परेशानी देते हैं, थोड़ी सी मानसिक चिंता देते हैं, थोड़े से नकारात्मक विचार दे देते हैं, नेगेटिव विचार दे देते हैं, तो उनसे आपको बचना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, अन्यथा आपको किसी भी प्रकार से घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मंगल ही मंगल है, बेहतरीन ही बेहतरीन है। उलझने चिंताओं से बस निकल जाइए, बस यही आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतों का समय रहेगा। आपको भूमि से लाभ होता दिखाई पड़ रहा है, प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में आपको लाभ होता दिखाई पड़ रहा है, प्रॉपर्टी संबंधी मामले कहीं कोर्ट कचहरी में फंसे हुए थे या दो लोगों में आपसी वाद विवाद चल रहा था तो वहां से भी आपको लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। यदि कोई विवाद नहीं है तो उसके अलावा भी आप प्रॉपर्टी से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, या प्रॉपर्टी खरीद कर, या प्रॉपर्टी बेच कर, या अपनी प्रॉपर्टी को किराए इत्यादि पर भी चढ़ा सकते हैं। तो प्रॉपर्टी के मामले में आज आपके लिए अच्छे परिणाम मिलते दिखाई पड़ रहे हैं इन तारीखों में। 10, 11, 12 तारीख दोपहर 2 बजे तक के समय की हम बात कर रहे हैं। आपकी वाणी मधुर होगी, चेहरे पर आपके तेज होगा, सभी के आप प्रिय होंगे, जीवन से जुड़े हुए सभी सुख आप प्राप्त करेंगे,
और सुख आपकी तरफ बढ़ेंगे। यानी कि कई बार हम सुखों के पीछे भागते हैं, कई बार सुख तब भी हमें नहीं मिलता है, हम उसके पीछे भागते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा होगा, सुख आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो आप जल्दी ही उनको स्वीकार करके बहुत जल्दी सुखी हो जाएंगे। घूमने फिरने वाले होंगे, खुली हवा में सांस लेने वाले होंगे, अच्छे गणितज्ञ होंगे, जिन लोगों का गणित का पेपर है, कॉमर्स का पेपर है या आपका फिजिक्स का पेपर है, तो उनके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा आज का, या आज नहीं है आगे है तो आज आप उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। घर का माहौल बहुत बढ़िया रहेगा, शिक्षा में आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। आप इन दिनों में धनी होंगे, बुद्धिमान होंगे, ज्ञानी होंगे, साहसी होंगे, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। यात्रा व स्त्रियों के प्रति आपका झुकाव अधिक रहेगा, यात्राएं आप करना पसंद करेंगे, उनसे लाभ भी रहेगा और स्त्रियों की तरफ भी आपका झुकाव बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब कहने का मतलब है आप विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होंगे और कहीं ना कहीं उनसे अच्छी दोस्ती कर लेंगे, या फिर अपने जीवन साथी के साथ ही कुछ अच्छे मधुर पल बिताने का आपको मौका मिलेगा। प्रेम संबंध बन सकते हैं, पुराने प्रेम संबंध और बढ़िया हो सकते हैं। आप निर्णय अति शीघ्र लेंगे और काम को शुरू करने में भी विलंब नहीं करेंगे। आपको नौकरी से जो भी लाभ प्राप्त हो रहा है यह लाभ बढ़िया रहेगा और आप निश्चित तौर पर अपने सहकर्मियों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ एक बढ़िया क्वालिटी टाइम बिताएंगे, जहां पर आज बहुत कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा। बस आपको कुछ चीजों से बचना है। नंबर एक, आपको स्वभाव में चिड़चिड़ापन नहीं लेके आना है और आपके शरीर में फोड़े फुंसी इत्यादि हो सकते हैं कहीं पर, उसका आपको सही से उपचार कराना है। टांगों के रोग हो सकते हैं, टांगों में दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, मोच आ सकती है, इससे भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। और यदि आपको तैराकी नहीं आती है तो पानी से दूर रहें, पानी से बचें, अन्यथा कोई हानि हो सकती है और दुर्घटनाओं से भी आपको बचना चाहिए। समय बहुत उत्तम है। तो चलिए अब बात करते हैं 13 और 14 तारीख की। चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, यह समय भी आपके लिए बेहतरीन है। पंचम भाव का चंद्रमा शुभ फल दाता है, आप गंभीर होंगे, शांत होंगे, बुद्धिमान होंगे और हर काम को करने की क्षमता आपके अंदर होगी। आप खुले दिमाग के होंगे और दिल वाले होंगे और शांत और गंभीरता से सभी काम फटाफट कर लेंगे, लोगों को भनक तक भी नहीं लगेगी, आप सभी काम सोच समझ कर करेंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध बढ़िया होंगे। प्रेम प्रस्ताव आज आप किसी को दे भी सकते हैं, किसी का प्रेम प्रस्ताव स्वीकार भी कर सकते हैं। आज आपको विपरीत लिंग के प्रति फिर से एक आकर्षण होगा। ये पूरा सप्ताह आप स्त्रियों के तरफ आपका झुकाव ज्यादा बढ़ेगा। बस वासना और विलासिता से बचिएगा, बाकी मित्रता करना, बातचीत करना, घूमना फिरना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस वासना और विलासिता को अपने मस्तिष्क से, मन और दिमाग से दूर रखिएगा। अच्छे बुरे की समझ आज आपको होगी, आपको पता लगेगा कि किससे क्या बात करनी है, कौन शत्रु है, कौन मित्र है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह आप अपने लिए समझ जाएंगे और अपने परिवार के लिए भी अच्छे बुरे की परख आपको होगी। परिवार से आपको विशेष लगाव होगा, परिवार के सदस्यों के प्रति आप विशेष झुकाव रखेंगे, उनके लिए कुछ अच्छा सामान खरीद के लेकर आएंगे शाम के टाइम पे, या कुछ मिठाई इत्यादि लेके आ सकते हैं, या कुछ भी उनके लिए कुछ बढ़िया कर सकते हैं। नौकरी हो या व्यापार, आप मजबूत स्थिति में खुद को पाएंगे, आप खुद की पहचान बनाने में कामयाब होंगे और पिछले दिनों की मेहनत भी आपको आज के दिनों में कुछ अच्छी सफलताएं देगी और मिलती हुई दिखाई भी पड़ रही है। ग्रहों के हिसाब से आपकी संतान आपके कहने पर चलेगी, शिक्षा में तरक्की करेगी, संतान के साथ आप एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएंगे, आप अपनी संतान को पढ़ा सकते हैं, आपकी संतान आपसे कोई प्रश्न उत्तर कर सकती है, उसकी जिज्ञासा बढ़ सकती है, पढ़ाई को लेकर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे शायद उसका आंसर उनको ना मिल रहा हो तो वह आपके साथ बैठकर उनको शेयर करके उस समस्या का हल कर सकते हैं। तो आपको करना भी चाहिए, थोड़ा समय निकालिएगा। एक बढ़िया शानदार दिमाग है आपके पास, उस शानदार और बेहतरीन दिमाग का उपयोग करते हुए आप आज के दिन को और पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाएंगे। बस आज शाम को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब सूरज ढल जाएगा तो उसके बाद आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, थोड़ा सा फिर क्रोध आ सकता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है आपकी वाणी में, तो उससे आपको बचिएगा। बाकी समय बेहतरीन है, एक अच्छी नींद लेने के लिए अच्छा साहित्य पढ़िएगा और बहुत ज़्यादा वाद विवाद में नहीं फंसिएगा। तामसिक भोजन से शाम के समय दूर रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा और अनिद्रा की शिकायत ना हो इसके लिए रात्रि में दूध ना पिए और किसी भी प्रकार की सफ़ेद वस्तुओं का सेवन, जैसे मिठाई इत्यादि होती है, उसका सेवन ना करें तो बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं आपकी भाग्य प्रतिशत की। तो आपका भाग्य प्रतिशत 75
प्लस रहेगा, इससे ऊपर ही जाएगा। शुभ अंक रहेंगे 5 और 7 और सिंदूरी लाल कलर जो है आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। इस समय में आप इस रंग का प्रयोग कर सकते हैं। इस रंग का एक और महत्व है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं उपाय के तौर पर। तो 10 मार्च को श्री गणेश जी को आप सिंदूर चढ़ाएं, आपके निश्चित तौर पर बहुत सफलता प्राप्त होगी हर एक क्षेत्र में। वैसे भी गणेश जी विघ्नहर्ता है, जीवन की हर कठिनाइयों को दूर करके आपको आगे सफलता देंगे। 10 मार्च को गणेश जी को 21 दूर्वा भी आपको चढ़ानी चाहिए, हर प्रकार की व्यापारिक सफलता के लिए, घर की सफलता के लिए, नौकरी में सफलता के लिए, परीक्षा में सफलता के लिए गणेश जी का आशीर्वाद आपको चाहिए। विघ्नहर्ता गणेश जीवन के सभी कष्टों को दूर करेंगे, सिंदूर और दूर्वा आपको जरूर चढ़ानी चाहिए। और वीर हनुमान जी की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए, उसके साथ साथ शिव जी की उपासना भी आपको जरूर करनी चाहिए। भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिदिन जप करें और साथ ही डेली हनुमान चालीसा पढ़ें। निश्चित पर जो 75% मैंने भाग्य प्रतिशत बताया है ये बहुत ऊपर चला जाएगा, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। और एक बहुत विशेष उपाय आपको बता रहा हूं, प्रतिदिन जब आप सो के उठते हैं तो कुछ भी शुरू करने से पहले, यानी अपने अपने दिन की शुरुआत करने से पहले ओम शब्द का उच्चारण जरूर करें। एक लंबी गहरी सांस लें और ओम जितना लंबा निकल सकता है उतना लंबा बोलें और फिर अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करें। उसके बाद दिन की शुरुआत करें और उसके साथ साथ जो भी काम शुभ करने जा रहे हैं उससे पहले भी एक गहरी लंबी सांस लें और ओम शब्द का उच्चारण करें। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, या फिर आपकी कोई परीक्षा हो, कंपटीशन हो, इंटरव्यू हो, नई नौकरी के प्रयास हो, विदेश जाने की बात हो, हर जगह पे आपको एक सकारात्मक एनर्जी का एहसास होगा इस ओम शब्द के साथ में और नकारात्मकता आपके पास से दूर होगी। और जब सब कुछ पॉजिटिव हो तो आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे और दूसरा व्यक्ति जो आपको देख रहा है, जो आपसे बात कर रहा है, उसको भी पॉजिटिव फीलिंग आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास से पॉजिटिव फीलिंग सामने वाले को दिखाई पड़े। जब आप इतना कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको यह सप्ताह जो है बहुत बेहतरीन दिखाई देगा, बहुत बेहतरीन आपको लगेगा कि वाह कुछ अच्छा था इस सप्ताह में और जो मैंने आपको बातें बताई यह बातें भी आपको होती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपका यह सप्ताह बेहतरीन जाए और आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें ताकि गणेश जी की कृपा आप पे बरसती रहे। हरिओम, नमस्कार।